ये देखिए दोस्तों, गंगा जी का पानी यहाँ तक आ चुका है। ये देखिए सामने की तरफ ये खेत भी पूरे डूब चुके हैं इसमें। ये सामने की तरफ ईख बुरी है। और देखिए दोस्तों, यहाँ से रास्ता भी बंद हो चुका है। यही रास्ता था जाने के लिए, तो ये भी बंद हो चुका है। ये देखो यहाँ पर कितना तकड़ा जो पानी चल रहा है अभी के समय। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं देख कर कि दोस्तों, गंगा जी के अंदर जो हाईवे का काम चल रहा है वो अभी इस समय बंद है। तो अभी देखते हैं कि गंगा जी के अंदर क्या स्थिति है अभी। और ये देखिए सामने की तरफ रास्ता है, लेकिन दोस्तों यहाँ तक पानी आ चुका है पूरा। तो अभी दूसरी साइड कर चलते हैं। और गंगा जी का पानी जो है वो काफ़ी तेज़ चल रहा है। तो अभी दोस्तों हम दूसरी साइड कर चलते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक और गंगा एक्सप्रेस वे हाईवे की नई वीडियो में। और दोस्तों आज मैं गंगा एक्सप्रेस वे हाईवे पर जा रहा हूँ। तो दोस्तों वहाँ जो काम है वो काफ़ी तगड़ा काम चल रहा है। तो मैं आज इसी काम को आपको दिखाने वाला हूँ कि आखिर क्या क्या काम अभी तक हाईवे पर हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये रास्ता है। और ये देखो कितनी तेज़ जो गंगा जी अभी चल रही है। अभी के समय में जो जल है काफ़ी तेज़ बहाव में चल रहा है। और दोस्तों मैं हाईवे के काफ़ी नज़दीक आ चुका हूँ। और बस यहाँ से कुछ ही दूर पर हाईवे है। ये देखिए दोस्तों, ये गंगा जी के अंदर जो पिलर खड़े हुए हैं ये सारे पानी में हैं अभी। और ये देखिए दोस्तों, मैं हाईवे के धोरा आ चुका हूँ बिल्कुल। और यहाँ पर चल रहा अभी काम। और ये काम जो यहाँ तक हो चुका है दोस्तों, ये देखिए अभी के समय तक रुका हुआ काम। और ये रही गंगा जी, मैं आपको इधर से दिखाता हूँ। और ये देखिए दोस्तों, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर कितना तेज पानी चल रहा होगा। ये देखिए, तो इधर का तो काम पूरी तरीके से रुक चुका है। और जो काम हो रहा है तो पीछे की तरफ ही काम हो रहा है। तो ये कुछ आज की डेट में हाईवे का नज़ारा है। जिस भाई ने भी मेरी पिछली वीडियो देखी होंगी तो उन्हें पता होगा कि इसके अंदर कितना ज़्यादा काम चल रहा था। अगर आपको हमारी पिछली वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप, और वहाँ पर काफ़ी सारी वीडियो डली हुई हैं। तो दोस्तों बस अभी जो काम है वो यहीं तक ही हुआ है, और इससे आगे अभी काम नहीं चल रहा है। क्योंकि दोस्तों ये गंगा जी जो काफ़ी तेज़ बहाव पर चल रही है, तो इसके अंदर काम करना मुमकिन ही नहीं दोस्तों, नामुमकिन है। और अभी चलते हैं दोस्तों और आगे की तरफ। एक बार आपको मैं हाईवे दिखा देता हूँ कि कैसा बनकर तैयार हुआ है। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ताकि हम ऐसी गंगा एक्सप्रेस वे हाईवे की वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। और इधर के साइड तो अभी काम बंद है। अभी आगे की तरफ देखते हैं कहीं काम चल रहा है या नहीं। और ये देखिए, इधर लोहे के पाइप पड़े हुए हैं पिलर के लिए। ये देखिए दोस्तों, पूरा हाईवे जो कि कुछ इस प्रकार बना हुआ है, और नीचे की तरफ ये पिलर बने हुए हैं। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पर काम चल रहा है, काम में कोई भी रुकावट नहीं है। बस दोस्तों ये जो गंगा जी के अंदर काम यही बंद है, बाकी सब जगह इधर काम चल रहा है। तभी और आपको मैं आगे की तरफ दिखाता हूँ। और एक बार आप साइड में देख लीजिए, साइड में कुछ इस तरीका के अभी बदलाव किए गए हैं। और यहाँ पे नीचे की तरफ बोरी लगाई गई है, जिससे कि मिट्टी बारिश के पानी की वजह से नीचे मिट्टी ना जाए। और ये देखिए कुछ हाईवे साइड में। तभी दोस्तों मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलता हूँ, शायद दोस्तों आगे की तरफ काम चल रहा है। और ये देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ इधर पिलर बना रहे हैं। ये देखिए चारों साइड, ये देखिए सब यहाँ पर पिलर बना रहे हैं। यहाँ पर पिलर बनाए जा रहे हैं। तो मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ ले जाकर, जिससे कि दोस्तों आप भी देख सकते हैं कि यहाँ पिलर कैसे बनाए जाते हैं। अभी मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ। ये देखिए, ये उतरने के लिए
शायद ये दोस्तों इधर पानी के लिए बनाया गया हो, जिससे कि पानी नीचे आ जाए, सारे ऊपर जो हाईवे पर जमा हो जाता हो, तो उसी के लिए बनाया गया है। लेकिन मैं यहीं कर ही कर रहा हूँ। और ये देखिए एक बार आप साइडों में इस प्रकार वहाँ पर काम चल रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं। तभी और आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं, तो मैं आपको कुछ नीचे की साइड दिखा देता हूँ। तो दोस्तों नीचे की साइड तो यहाँ पर मिट्टी पड़ी हुई है, तभी फिर से हम चलते हैं ऊपर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि काम दोस्तों यहीं तक ही हुआ है, और कुछ इस प्रकार का हाईवे यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम ऐसे ही ब्लॉग आप तक पहुँचाते रहें।